हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक नोटिस रिलीज किया गया था फॉर द टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स, उस नोटिस के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देनी है। अब स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये कि क्या है वो कन्फ्यूजन, या वो कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, किन्हें फॉर्म भरना है, किन्हें फॉर्म नहीं भरना है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप कि अगर आपके भी फ्रेंड्स टीवाई के में हो और उनको भी ये कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो वहां तक स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है, ये नोटिस जो आया था जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, तो इस नोटिस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट जो है उनको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा अपीयर करने के लिए कहा जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि 7th पेपर आपका बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस अकाउंट होगा एंड इसके लिए सबमिशन डेट एंड 240 रुपीज एंड 340 रुपीज विथ लेट फीस कहा गया था। सो एंड सो। अब मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, इसमें एग्जैक्टली क्लैरिटी है क्या माई डियर? आप सभी को पता है अगर आप SY बीकॉम में थे तो SY बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सर, आपको पता होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है हमारा FC, दूसरा होता है लॉ, तीसरा कॉमर्स, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा आता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, सिक्स होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना, एंड 7 होता है एडवर्टाइजिंग। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, किसी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं था। जिन लोगों ने जो स्टूडेंट्स ने SY में 7 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन ऑलरेडी दी हुई है, जिन बच्चों ने SY बीकॉम में 7 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन ऑलरेडी दी है, उन्हें ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को ये जो 7वां सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सब्जेक्ट नहीं था, यानी जिन बच्चों को SY बीकॉम एनुअल पैटर्न के जो ज्यादातर स्टूडेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट था, उन्हें ये एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म भरने की जरूरत है। आज समझ में आ रही है, अंडरस्टूड? कि SY में जिन बच्चों को 7 सब्जेक्ट थे उन्हें TY में 6 ही सब्जेक्ट मिलेंगे, और लेकिन जिन बच्चों को SY में 6 सब्जेक्ट थे यानी जिनका मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं था, वो बच्चे TY में 6 नहीं 7 सब्जेक्ट की पढ़ाई करने वाले है। लेट मी वेरी वेरी क्लियर, बात समझ में आ गई? SY बीकॉम, TY बीकॉम, SY में 7 सब्जेक्ट है तो TY में आपको 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, यानी आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके SY में 6 सब्जेक्ट है तो TY में भी जब आपने फॉर्म भरा रहेगा तब आपको 6 सब्जेक्ट ही दिखाई दिया रहेगा, लेकिन अब आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी। तो सर मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरे 6 सब्जेक्ट है कि 7 सब्जेक्ट है? बेटा आपने एग्जाम दिया हुआ है, आप अपने हॉल टिकट देख सकते हो या एडमिशन फॉर्म देख सकते हो, वहां पे चेक करो कि आपको कितने सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट है कि 7 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट है यानी यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपना प्रोफाइल पर लॉग इन करना होगा और वहां पर वो एक फॉर्म के लिए पॉपअप आपको वहां पर आ गया होगा, वहां पर आपको फॉर्म फिलिंग करना है। 240 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के लिए, और आफ्टर डेट का गोज ऑन तो 340 विद लेट फीस के साथ आपको भरना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि कब आपको फॉर्म भरना है और कब आपको फॉर्म नहीं भरना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारी चीजों पर क्लैरिटी मिल गई है। अगर आपके फ्रेंड भी इस बात पर कंफ्यूज है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए। कोई भी देरी की डिफिकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिए, और अगर आप में से कोई आइडल से कम्युनिकेट करता है और वो इन्फॉर्मेशन बाकी के स्टूडेंट्स को पहुंचाना चाहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या मुझे मेल कर वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, मैं बाकी के स्टूडेंट तक वो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।